सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:27 और गाइस मेरे से ना बिल्कुल भी अब वेट नहीं हो रहा कि मेरा गेमिंग रूम कब तैयार होगा। बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। तेरे से भी वेट नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। सो गाइस अभी ना ऊपर का काम देख के आते हैं कितना काम हो गया। तो गाइस एक तो नीचे का फुल सीलिंग का काम रह गया है, ऊपर के दरवाजों का काम तो हो चुका है, शीशे बाकी है और फर्नीचर का काम बाकी है। तो भाई यहाँ पे ना मस्त से सोफे लगेंगे और सामने बड़ा सा टीवी जिसमें PS5 लगाऊंगा मैं। गाइस ये ना मस्त गेमिंग लिविंग रूम होगा। ये मेरा रूम है, यहाँ पे भी गेमिंग सेटअप आएगा, ये भी मस्त गेमिंग बेडरूम हो जाएगा। सो गाइस खाना तो मैं ले आया हूँ और गाइस आज खाने में दाल रोटी दही भी है साथ में। जो जो यहाँ पे क्या कर रहा है? सो गाइस ये देखो भाई, ओ भाई मेरे पर कूद गया। ओ भाई इसको साइड पे हटा, गाड़ी ठुकवा देगा ऐसे। तो भाई फैनी की बहन के पप्पीज आ चुके हैं। गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं EOD पार्क, वहाँ से आने के बाद चलेंगे सीधा फैनी की बहन के पास, मजा आ जाएगा। भैया क्यूट होंगे वो छोटे से, मतलब फैनी के पप्पीज और उसके पप्पीज सेम ही है। सो गाइस अभी 4:40 हो गए हैं और गाइस मैं तो सो गया था। और गाइस ये देखो भाई, ये भी आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और गाइस रिया भी पढ़ाई कर रही है और जो जो भी सो गया। कैसे लग रहा है देख सोता हुआ? जो जो उठ मत उठ मत, सो जा आराम कर ले, चीनू दबा मत जो जो को। सो गाइस EOD पार्क तो आ गए हैं। ओ भाई मस्त दिख रहा है ना रिया। जो जो सो गाइस हम ना EOD पार्क इसलिए आए हैं क्योंकि भाई इसमें ना एक से एक एक्टिविटीज है। सामने देखो भाई बोल दिख रही है हमें, एक दूसरे के टक्कर मारेंगे मस्त वाली। सो गाइस अब ना मैं बैठ रहा हूँ जाके। सो गाइस चाचा ने ये बोल पहन ली है तो अभी मस्त चाचा को ठुकेंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई चल गया चल गया, गिर गए है ना। आई मम्मी गाइस अब नहीं छोड़ने वाला देखना। पापा लुढ़क गए, इतना ही था। सो गाइस मैं तो विनर हो गया हूं। और गाइस रिया बैठी है कोने में और गाइस सभी जो जो को देख रहे हैं। जो जो जाएगा, जो जो तू भी। तो गाइस चीनू बैठ गया बोल में। जो जो नहीं, चोट लग जाएगी भाई। ओ देखो कितनी कितनी टांग आ रही है उसकी। ओ भाई रिया ठोक दे। ओ भाई ओ पूरा पलट दिया। चीनू उल्टा है अभी। कैसा हो गया? ओ भाई भाई ये तो आ ही नहीं रहा। गाइस वैसे ना चीनू को अलाउ नहीं कर रहे थे पर फिर भी जा रहा है ये। ओ पलट दिया भाई पूरा चीनू। भाई तुमने तो सही पेल दिया ये। अरे भैया क्या करा जाए इसका, कह रहे इस लायक है ही नहीं है। चीटिंग क्या कर रही है वो? ओ भाई सो गाइस अभी ना अगली एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। चीनू का है इसके अंदर ही है, ऐसे ही पड़ा अभी तक। निकल जा, वो जो जो के ऊपर गिरता अभी। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे कुत्ते भी हैं। तो गाइस आज मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो जो को देख के फ्रेंडशिप करेंगे या नहीं करेंगे। जो जो डरियो मत, ठीक है? तू भी आ इधर। ये ना नहला रखे कुत्ते पूरे साफ है, कितना मस्त है ना ये, कितना प्यारा सा है। ओ भाई जो जो की टांग सुन रहा है, साफ कर रखे इन्होंने, नहला रखे हैं, मस्त है भाई, बिल्कुल क्लीन है। ओ भाई देख कैसे घूम रहे रिया के आसपास, रिया के ऊपर चढ़ गया वो तो, ये देख रहा है भाई ये कौन सा कुत्ता है। सो गाइस अभी बोटिंग करेंगे। चाचा उस साइड जाओ आप, जो जो गिरा मत दियो। सो गाइस ये देखो भाई चाचा में कितना वजन है, बोट उस साइड से पूरी टेढ़ी हो गई है। सबसे अच्छी बात पता क्या है, जो जो भी हमारे साथ में है। सो गाइस ये देखो चार की बोट में कितने लोग बैठे हैं। इसमें नहा रहे हो तुम? सो गाइस ये देखो बच्चे इसमें नहा रहे हैं भाई, इस पानी में बोटिंग भी हो रही है और ये नहा भी रहे हैं। गाइस ये देखो जो जो कोई दिक्कत नहीं है वैसे यहाँ पे, अगर गिर गया तो। गाइस जो जो को ना स्विमिंग आती है। डुबाते हैं डुबा रहा हूँ मैं। अरे मजाक कर, बकरी है पाओगे नीचे, मछली क्या होता है? अच्छा मछली कह रहा है वो, कहाँ गया वो रहा, तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे इसके नीचे। ओए बोट, ओए क्या कर रहा है, बोट पकड़ ली, ओए बोट लेके जा रहा है, ओ छोड़ दे, अरे बोट फंस जाएगी, बैक कर। ओए बोट, ओए बोट लेके मत जा भाई, रुक जा। ओए ओए वो बोट डूब जाएगी, ओ मत चढ़, ओए ओ भाई वो छोड़ दे। ओ भाई गाइस रिया से डर के भाग गए। गाइस जब रिया को गुस्सा आता है ना किसी को नहीं छोड़ती। सो गाइस ये देखो भाई ये डाइव मारेगा। ओ सो गाइस बोटिंग वाले ने इससे आगे जाने के लिए मना किया है क्योंकि आगे गहरा पानी है, बोट फंस जाती है, बोट डूब जाती है। सो गाइस ये बच्चे हमारी बोट की रस्सी खींच के हमें आगे ले जा रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, मान भी नहीं रहे थे हमारी, रिया के डर से मानने बिल्कुल ही। गाइस जब रिया को गुस्सा आता है ना भाई ये किसी को भी नहीं छोड़ती। चीनू भी सब डरते हैं इससे, बचपन में ना बदमाशी करती थी सबके साथ, जितने भी लड़के थे गली में, लड़के लड़कियां सबके साथ बदमाशी करती थी। कितनी आराम से बैठ गया, मजे आ रहे हैं जो जो बाहर घूम के ना, मस्त मजे ले रहा है ये। अरे रुकने तो दे, लाइफ जैकेट ले जाऊं भैया? अरे भाई भैया कह रहे ले जाओ, पूल राइड भी है यहाँ पे तो करेगा, पहले मैं जाता हूँ। भैया जीत जाए। सो गाइस अभी चीनू की बारी है। ओ ओ ओ ओ ओ ये तो बैठते ही गया। ओए जो जो कहाँ गया? ओ ओ ओ अंटी डर गई, वो काटता नहीं है। सो गाइस देखो भाई चाचा की दो उंगलियां हैं, फंस गए इसमें अंगूठा है ना। ओ केक रह गए। गया। ओ
भाई चाचा किस्मत खराब है। वो जो कूद गया वो भाई उसके पीछे पड़ गया। ओ भाग गया। तो गाइस देखो एक साथ दो बॉल फेंक रहा है। ओ भाई कोई सी नहीं लगी। ओ भाई बेइज्जती। ओ भाई चाचा गिर गए। ओ रिया को जला रहा है। कैसे जला रहा है। लगी। सो गाइस अभी 7:30 बज गए हैं। अभी जा रहे सीधा फैनी की बहन के पपीज देखने। जाने में गाइस 2 घंटे लगेंगे कम से कम। तू भी मिलेगा फैनी की बहन के पपीज से। आजा जोजो। और भाई कैसे हो। नमस्ते भैया। जोजो वो भाई कूद गया। तो गाइस फैनी की बहन का नाम है बेला। ओ भाई ओ यार ये क्या है इतना मस्त कलर। ओ भाई कैसे हैं। ओ भाई जोजो ओ सॉरी ये कितने मस्त है ना। अरे भैया ये क्यूटनेस देख कितने क्यूट है। और कलर भी देख कंबल जैसा कलर। इनकी आईज भी देख कितनी प्यारी लग रही है। ब्लू आईज। फैनी के पपीज की जिद कर रहा था। ये पपीज भी कम नहीं है भाई इसके बराबर का ही है। 4 किलो प्लस का बच्चा 1 महीने का बच्चा 1 महीने का बच्चा 4 किलो से ऊपर। गाइस वैसे तो फैनी बहुत मस्त है पर उसकी बहन के पपीज भी बहुत ज्यादा मस्त निकले। फैनी के पपीज हो गए। और गाइस फैनी के पपीज भी हो चुके हैं। और ये देखो भाई ये वाले हैं अभी काफी ज्यादा छोटे हैं आंख भी नहीं खुली इनकी। बाकी गाइस छोटी सी एज में ना बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं। ये फैनी से बड़े हो जाएंगे पपीज। ये इसका हेड देखो ना गाइस जितनी फैनी है ना ये पपीज उससे भी बड़े होंगे। देखो ये कितनी प्यारी लग रही। इसका नाम क्या होना चाहिए रिया। हेलो कर लेना। जितना ड्रैगन 2-3 महीने का हुआ था ना 1 ही महीने के हो गए इतने तो। 3 महीने के तो बहुत बड़े हो जाएंगे। ये गैलेक्सी थी ना वो भी नहीं थी इतनी 1 महीने में। ये तो गैलेक्सी से भी ऊपर चला गया। पूरे इंडिया में शेड का कलर नहीं मिलेगा। So guys, ये देख लो भाई 4 किलो से ऊपर है और 1 ही महीने का हुआ है अभी तक। ये ना भाई फैनी से भी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। तो मतलब फैनी के पपीज फैनी की बहन के पपीज ना सेम ही मान लो तुम। इसको देख के ना एक नाम निकल के आ रहा है एलन। नीली नीली आंखें हैं। एलन हमेशा के लिए ब्लू आईज रहेंगे इनकी। तो गाइस ये तो फैनी वाला कलर है। अभी ना ब्लैक कलर में देखते हैं। ये तो भाई पूरा ब्लैक है। ये तो पूरा शाइन कर रहा है ब्लैक कलर का। ओ भाई ओ भाई इसकी आंखें गिर रहे हैं भैया। बहुत क्यूट है इसकी। देखो बार-बार छोटी-छोटी जीभ निकाल रहा है। हां बहुत क्यूट है ना। ओई पूरा खतरनाक बनेगा बड़ा होके। अभी ना भैया बेला को लेने गए हैं। बेला को देखते हैं बेला कैसी है फैनी की बहन। ओ भाई सो गाइस ये देखो भाई कितनी बड़ी है ये। भाई पतली होने के बाद भी ये देखो कैसी लग रही है। सो गाइस ये देखो जोजो को देख रही है। चल दूध पिला के आ जा पहला। गाइस अभी ना दूध पिलाती है तब भी देख लो कैसी है। देखे जा रही है इसको पीछे कर लिया जोजो। सो गाइस फैनी से भी मिल लेते हैं क्योंकि फैनी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। गाइस फैनी भी आ गई है। फैनी ओ भाई चीता आ गया। चलो चलो दूर हो जा। दो बहने हो रहे हैं बेला और जारा। बहुत मिस किया मैंने फैनी को। अपने बच्चों को दूध पिला ले। सो गाइस ये देखो भाई भैया को ना मतलब बेस्ट ब्रीड के अवार्ड वगैरह भी मिल रखे हैं। चलो ठीक है भैया बाय। सो गाइस अभी पूरे 12 बज गए हैं। वैसे गाइस जो फैनी के पपीज थे ना वो 4-5 दिन में ना भाई काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं। उसके पपीज भी कम नहीं होंगे। वैसे तो मैं कंफ्यूज हो गया। बाकी तुम कमेंट करके बताने भाई किसके पपीज लेने चाहिए। चाचा आप बताओ किसके लेने चाहिए। कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। सो गाइस अभी हम घर पे आ गए हैं। टाइम हो गया है 12:13। अभी मैं खा रहा हूँ खाना। आज खाने में मम्मी ने बनाया ग्रेवी पनीर और रोटी साथ में प्याज भी है। और गाइस अभी चीन और चाचा भी खाना खा रहे हैं। तो भाई अभी हम सब खा रहे हैं खाना और खाना खा के बात करते हैं आपसे। सो गाइस मैंने खा लिया खाना। मैं आ चुका हूँ रूम में। तो भाई आज हम गए थे ईओडी पार्क स्पेशल रिया के लिए क्योंकि गाइस रिया की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दवाई वगैरह दिला के मैं उसको सीधा ईओडी पार्क ले गया ताकि थोड़ा अच्छा फील कर सके क्योंकि भाई रिया के 12th के पेपर चले हुए हैं और गाइस मैं नहीं चाहता वो बेड पे पड़ जाए। तो गाइस इसलिए मैं उसको घुमाने ले गया। और गाइस जोजो को हम जहाँ पे भी लेके जाते हैं ना लोग सामने से आके जोजो के बारे में पूछते हैं फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो भाई ये सब देख के ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे पास भी एक इतना प्यारा डॉग है जिसको लोग आके पूछते हैं जिसके साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं। जैसे हमने आज ईओडी पार्क में भाई बहुत ज्यादा मस्ती कर ली। और गाइस आने के बाद हम चले गए फैनी के पास फैनी की बहन के पपीज देखने। गाइस मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा चुल मच रही थी फैनी के पपीज देखने के लिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले से लेने की सोच रहा था। अब ना गाइस थोड़ा थोड़ा मेरे मन में आ रहा है कि मैं उसको ले लूं। उसको लेने का सोचता हूं ना फिर मेरे दिमाग में फैनी के पपीज आ जाते हैं। जो फैनी के बहन के पपीज है ना वो भी गाइस फैनी से ज्यादा लंबे और तगड़े होंगे। तो गाइस इसलिए मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूं कि भाई किसके पपीज लेने चाहिए फैनी के या बेला के। वैसे मेरा मन ना भाई दोनों पे आ चुका है। अब मैं तुम्हारी मानूंगा किसके लेने चाहिए। कमेंट करके बताना लोग गाइस फैनी से लंबा और तगड़ा कुत्ता कैसा लगेगा। शेर का भी बाप। अभी गाइस 1:12 हो रखे हैं और गाइस अभी फिलहाल मैं
करूंगा एडिटिंग, और गाइस हर बार की तरह मैं एडिटिंग करने के बाद जाके सोऊंगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।